अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो आई विल सेंड टू जेल टुडे. हु इज पॉइजनिंग योर ईयर? वेयर इज दैट स्टिपुलेशन? कहाँ का इंजीनियर है ये? इंजीनियर है सर, मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ नगर निगम में. कहाँ पे? नगर निगम में सर. यही पढ़ के आए हो तुम? यू डोंट क्वालिफाई टू बी एन एम्प्लॉय. व्हाट टू टॉक ऑफ एडिशनल कमिश्नर? मेरे प्लॉट से सर बिल्कुल ओपन जा रही है सर, और एक एक अधिकारी को मालूम है. कमिश्नर स्वयं निरीक्षण कर आए हैं और स्पष्ट कहना उनका कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर. अमृत काल छोड़ो, बेसिक काम तो करो अपने, जिसके लिए नौकरी कर रहे हो, जिसके लिए तनख्वाह पाते हो तुम, जिसके पब्लिक से तुम टैक्स लेते हो. और ये फिगर सामने नहीं आएंगी मेरे तो मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ आपके खिलाफ, आपके मतलब पूरे वर्किंग के खिलाफ मैं सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दूँ. और जितने यहाँ भीड़ लगा के ऑफिसर्स खड़े हैं, दे आर नॉट गुड, दे आर गुड फॉर नथिंग. सारी याद आपको जिस दिन मुकदमा लगता है उसी दिन आती है. हैं, ये ट्रायल कोर्ट है क्या? जब पेशी पड़ेगी तभी सब कागज पेश होंगे. मिस्टर खोद, आई एम वेरी सॉरी. यस, द मैनर इन विच यू पीपल आर कंडक्टिंग द केस, द मैनर इन विच योर डिपार्टमेंट इज टेकिंग दिस केस ऑन अ नोट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ सीरियस नोट. My lord, even I have requested them to file it a day before. So my lord. So how many times will you request them? For how long are you counsel for this municipal corporation? A long time. अभी भी आपकी बात नहीं सुनते वो. Why don't you withdraw? And let them face the consequences. जब वो आपकी बात सुनते ही नहीं हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, कोर्ट के डायरेक्शंस को नहीं मान रहे हैं, जो कोर्ट में कह रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें आप बताइए. हम लोग, आप कब तक माय लॉर्ड करते रहेंगे आप? कुछ माय लॉर्ड की डायरेक्शन कंप्लाई तो करो. अब ये सीरियसनेस है आपकी. आज मुकदमा लगा है और कागज आज पेश कर रहे हैं. अभी कागज रीडर बोलता अभी तक आया नहीं है कागज. माइलेट में टेक इट एट 230 मार्क. आई रिक्वेस्ट माइलेट, वी हैव फाइल्ड इट. नहीं, 230 लेने का मतलब क्या है आप मुझे बताइए ना. आफ्टर ऑल, अगर भाई मैं जो बार बार कह रहा हूँ आपसे, लग रहा है आपको भाई ये बेंच कन्वीनियंट नहीं है, इस बेंच के सामने बहस नहीं करेंगे हम लोग, बता दो. मन नहीं है बहस करने का आपके सामने हम लोगों का, तो हम भी क्यों पीछे पड़े रहे हैं? अब जो शहर का भाग होगा वो होगा. अब शहर में शरण रेखा को नाला के रूप में रहना रहेगी, नाला के रूप में डालो कचरा, जहाँ डालना है सीवेज डालो, कचरा डालो, नाले को गड्ढा बना दो. इट इज़ नॉट द इंटेंशन. नहीं, करो करो, दिक्कत नहीं है. क्या है ना कि दीवार खड़ी करो, बेंच बनाओ, लाइट वाइट लगाओ चारों तरफ, शहर चमके. नाला कौन दे, स्वर्ण रेखा भूल गए लोग, इसको स्वर्ण रेखा. और स्वर्ण रेखा रहे ना रहे, पीने का पानी तो मिलवा ही करेगा, और नहीं मिलेगा तो सरकार टैंकर खरीद के पिलवाएगी आप लोग को पानी. पब्लिक को ना, पब्लिक को चिंता है ना, अधिकारियों को चिंता है, तो कोर्ट क्यों जबरदस्ती चिंता कर रही है? रहने दो जो चल रहा है, क्योंकि 6 महीने से ऊपर का समय तो हो गया होगा. क्यों मिस्टर गुप्ता? जी, जब से ये मुकदमा इस कोर्ट में आया है फरवरी 23, अभी तक सिवाय इसके प्लानिंग जाएगी, रिजेक्ट होगी, फिर रिवाइज होगी, फिर जाएगी, फिर करेक्ट. एक काम नहीं हुआ जो 1 इंच आगे बढ़, सिवाय उसके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, जिसने वहाँ से जो शुरू कर दिया था, वाटर शुरू, जो उसने वो बनाया है, जो ट्रैक बना दिया है अपने हनुमान मंदिर, हनुमान उसके आगे कोई काम. और फॉरेस्ट ने दोनों तरफ पे प्लांटेशन, उसके अलावा एक काम नहीं हुआ. इसी के लिए मैंने आज एक आईए दिए सर, 2953 और 24. वो जो डैम्स के हैं, पिछले एक डिस्क्रिप्शन, पहले पिटीशन थी 2846 और 60, दैट वाज डिस्पोज ऑफ 25 फरवरी 19. वेरियस डायरेक्शंस ऑन वेरियस कंसिडरेशन हैव बीन गिवन ऑलरेडी इन 19. So the gates are in very dilapidated condition, not in working order. Which one? Walls are dilapidated. Dams are constructed where?
वो रायपुर डैम जो 5 डैम्स जिससे वाटर आना है इधर उसकी इवन दैट इज नॉट इन ऑर्डर दैट इज नॉट इन वर्किंग ऑर्डर गेट्स वर्क नॉट इन वर्किंग ऑर्डर एंड हु इज सपोज्ड ऑल आर इन वेरी डिलिपेटेड हु इज सपोज्ड टू लुक आफ्टर डब्ल्यूआरडी हु इज फॉर डब्ल्यूआरडी वेयर फ्रॉम देयर मेड अ ट्रैक यस So that dam gates are not working. Gates are not in working condition as per 19 order. That's a subsequent. अभी तो इनसे समझिए पर ये क्या कर रहे हैं ये अभी इन्होंने क्या अभी कॉर्पोरेशन ने कोई काम किया है अभी तक जाली का काम कर अफेक्टिव वर्क कुछ भी नहीं हुआ सिवाय पेपर फॉर्मेलिटीज नथिंग सर कितना खर्चा किया 2014 सब तक मतलब दी फंड्स 2014 से लेकर के और 2024 तक यस सर स्पेसिफिक बताओ इस सीवेज लाइंस के मरम्मत में या लेइंग में कितना खर्च किया और ये सवाल मैंने पूछा था आपसे yes. जब से मास्टर प्लान नया वाला आया लास्ट वाला अब तक आपने सीवेज लाइंस के लेइंग में या उसके रिपेयर्स में कितना पैसा खर्च किया यस मैम इसी की स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर रही थी आज इसी फाइल बट वी हैव फाइल्ड स्टेटस रिपोर्ट टुडे अनेक्जा सीवन में काइंडली सीवन मिस्टर काउंसिल मुझे पढ़ाओ नहीं यस yes, जितना सवाल पूछ जवाब दो उसका आपको यहाँ वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है आपको यस मैम इन दिस मैटर द स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन लेड द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन ऑल दी स्कीम तक खोद ज्यादा आप डांट खा जाएंगे हमसे आप यस मैम इसमें पैसा नहीं यू आर टेस्टिंग आवर पेशेंस इसमें पैसा नहीं क्यों नहीं है लास्ट टाइम क्लियर कहा था मैंने हाउ मच मनी यू हैव स्पेंड इन लेइंग सीवेज लाइन एंड फॉर रिपेयर्स ऑफ द सीवेज लाइन डोंट पुश अट अगेंस्ट द वॉल वी वुड बी कंस्ट्रेंड टू ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी बिकॉज यू आर नॉट कोऑपरेटिंग Why are you fighting shy? Not disclosing the fact how much money you have put in so far in laying of the sewage line and repairs of sewage line. That was a specific query on that date. Only to ascertain two things. How much money you have so far spent and what is the corresponding work you have done. Well, still you are asking for money for repairs of the sewage line. And if I recall correctly, I said very clearly, before I debit the office, I will ensure all facts are on record. So the next bench, when sees the record, it has all the issues in order sheet, how much money you have spent, in what respect you have spent, and how much money you require now for the repairs and laying, and why. But that regard to the expenditure which has been made by the corporation in different heads from 2014 onwards, that has been on record, matter. That has been filed along with the status report. देखो ऐसा है. Yes. अभी don't behave like a postman. Yes. You are a counsel. Yes. You are really compelling us to make such observations. It means you have not done any homework. Whatever he is putting in your ears, you are telling me. That compliance report has earlier been filed. Why have you not referred it? Show me. Yes. और जब पहले था तो उस दिन बताया क्यों नहीं हमको? Because that was filed by the state. कब फाइल किया आपने? On the last date. हाँ तो आपने बताया क्यों नहीं हमको उस दिन? नहीं किया. क्यों बस घुमाते हो हम लोगों को तुम?
कहाँ लिखा है कितना खर्च किया किस सन में। अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो आई विल सेंड टू जेल टुडे। हु इज पॉइजनिंग योर ईयर? वेयर इज दैट स्टिपुलेशन दैट सिंस 2014 अप टिल नाउ हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट? यू रिमेंबर माई क्वेरी? यस। थ्री क्वेरीज, हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट फ्रॉम 14 अप टिल नाउ इन द मैटर ऑफ लेइंग ऑफ सीवेज लाइन एंड रिपेयर सीवेज लाइन एंड विच एरियाज यू हैव कवर्ड इन दैट बिहाफ? यस सर। शो मी। वो सारी प्रॉब्लम क्या है, जब मुकदमा लगता है तभी फाइल खुलती है, और जितने यहाँ भीड़ लगा के ऑफिसर्स खड़े हैं दे आर नॉट गुड, इट आर गुड फॉर नथिंग। कोई होमवर्क करके नहीं आता ना, आपको ब्रीफिंग लेने का समय है आपके पास में, क्योंकि जो करना हाईकोर्ट को करना है, हम क्यों दिमाग लगाएं इसमें? ये शख्स कौन है ये? ही इज द ओआईसी। कितने ओआईसी आए? दे आर बिग जीरो। कहाँ का इंजीनियर है ये? इंजीनियर है सर, मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ नगर निगम में। कहाँ पे? नगर निगम में सर। यही पढ़ के आए हो तुम? यू डोंट क्वालिफाई टू बी एन एम्प्लॉय, व्हाट टू टॉक ऑफ एडिशनल कमिश्नर? यू डोंट हैव नो सीरियसनेस टुवर्ड्स द कोर्ट, कोर्ट्स ऑब्लिगेशन। तुम कितने सीरियस हो ये सामने दिख रहा है। एडिशनल कमिश्नर हैं, पन्ने पलट रहे हैं हाई कोर्ट में, ना कोई नॉलेज है ना कोई एक्सपीरियंस है, एडिशनल कमिश्नर बने हैं, धीरे भर का काम नहीं आता, और क्लेम कर रहे हैं सब लिखा है हमने, और यहाँ पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। सारा पैसा कुएं में डाल दिया तुम लोगों ने, लगता है ऐसा ही है। अब कौन ढूंढे किस कुएं में कितना पैसा गया? कुछ काम किया तब तो कुछ लिखोगे। और अगर हमारे सामने पेपर्स नहीं आए, वी मे गिव सीरियस थॉट टू ऑर्डर फॉर सीबीआई इंक्वायरी इन द वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन राइट फ्रॉम 14 अप टिल नाउ। I mean it. I may order if you don't cooperate, and let all those officers who have been manning the corporation should be brought to books. It's a very shameful thing that nobody is ready. मिस्टर खोद, ये आपके बस का है नहीं सर, क्योंकि आपके ऑफिसर्स आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और उसका रीज़न दिख रहा है कि देयर सीरियस सस्पिशन नाउ अबाउट देयर कंडक्ट एंड डेमेनर इन द पास्ट। फॉरवर्ड के आओ और डोंट मेक स्टेटमेंट है जस्ट ऑन व्हाट दे विस्पर इन योर ईयर्स। आपने कितने कॉन्फिडेंस से कहा है साहब पिछली पेशी मैंने ये कर दिया है, और अभी तक सामने नहीं आया कागज सर। इसमें जब डायरेक्शन मिला था कि अमृत वन में जो हमारे यहाँ काम, देखो तुम्हारा नाम क्या है सर? विजय राज। विजय राज राज
विजय राज तुम पिछली पेशी में थे कि नहीं थे? सर नहीं थे। सर थे। हमने क्या कहा था, 2014 से 2024 तक जो सीवेज लाइन में काम मरम्मत का हुआ है या लेइंग का हुआ है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कहा था कि नहीं कहा था? और आपके कमिश्नर साहब ने कहा था साहब मैं आपको अवगत कराऊंगा। ये हमने सवाल क्यों उठाया था, क्योंकि आज जब मेन ट्रंक लाइन लेने की ले करने की बात आ रही है तब भी आप आज की तारीख में भी रिपेयर्स और लेइंग की बात कर रहे हो, तो हम जानना चाहते थे कितना पैसा आप खर्च कर चुके हैं, कितना भी और खर्च करेंगे आप, उसके बाद ट्रंक लाइन की बात शुरू हुई है। और दोनों ही बातें आप नहीं बता पा रहे हैं। और फिर अमृत में पहुंच गए तुम लोग अमृत काल को क्या समझे हुए हो? सारा काम जितने तुम लोग के कुराफाती काम हैं सब अमृत काल में ढक जाएंगे। ये अमृत काल है क्या? क्या है ये अमृत काल? ऐसा तो नहीं है कि अमृत काल के बहाने सब लोग सबको स्वर्ग का तुम चित्रण दे रहे हो कि स्वर्ग में ये सब हो रहा है, अमृत काल में स्वर्ग जैसा काम हो रहा है, जनता को मूर्ख बना रहे हो क्या? अमृत काल क्या है ये अमृत काल? सफाई कर नहीं पा रहे हो शहर की, अमृत काल की बात करते हो। जब कोई सवाल पूछो अमृत काल, ये कौन सा है जादू का वर्ड इकट्ठा जादू का वर्ड तुमने ढूंढ लिया अमृत काल, ये है क्या मिस्टर खोत अमृत काल? देयर इज अ प्रोजेक्ट अमृत व्हिच इट इज जहाँ पे सीवेज पानी बह रहा है, प्रोजेक्ट अमृत में सीवेज में पानी बह रहा है। क्या बेवकूफ बना रहे हो जनता को आप लोग, और हम लोग को भी नहीं छोड़ रहे हो। कोई सवाल पूछो अमृत, अरे अमृत काल छोड़ो, बेसिक काम तो करो अपने, जिसके लिए नौकरी कर रहे हो, जिसके लिए तनख्वाह पाते हो तुम, जिसके पब्लिक से तुम टैक्स लेते हो। और ये फिगर सामने नहीं आएंगी मेरे, तो मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ आपके खिलाफ, आपके मतलब पूरे वर्किंग के खिलाफ मैं सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि आप हमारे सामने फैक्ट्स नहीं ला रहे हो। हम सब रिकॉर्ड सीज करवा देंगे आपके। अभी आपने कि कान में कहा साहब हमने सब पेश किया हुआ है, और दो सवालों के जवाब दे पा रहे हैं आप, कितना पैसा खर्च किया बार बार पूछ रहा हूँ आपसे मैं। अमृत काल में साहब इतना हुआ था पैसा खर्च, पता नहीं क्या है अमृत काल। दे डू नॉट नो हाउ मच मनी दे हैव स्पेंडेड रादर इश्यूज। हाँ क्लियर क्वेरी थी, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्या किया उन्होंने पैसों का, बट इज वेरी ऑब्वियस। कितना पैसा एलोकेट हुआ 2014-24 तक आपको सीवेज लाइन के लिए, और क्या किया उस पैसे का आपने? व्हाट 230? कम ऑन मंडे यस। दुनिया भर के कागज पेश करते हो बेवकूफ बनाने के लिए सिवाय असली कागजों के। और विजय राज अगर तुमने अब गड़बड़ करी तो आई विल राइट अगेंस्ट यू। अगर तुम किसी जिम्मेदारी से यहाँ आते हो तो उस जिम्मेदारी को निभाओ। 10 दिन का समय दिया तुम लोगों को मैंने, ना सैंपल लिए, और जब सैंपल लेके उसमें रिपोर्ट आई बोलते साहब पता नहीं कहाँ सैंपल ले आई है, और जो दो सवालों के जवाब मांगे आज तो मैं इसको क्लोज करने वाला था केस को सारी बातें लिख करके, लेकिन आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं।
और गफलत हो तो बता देना। हम वहाँ पे इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट पनपने नहीं देंगे। हम आप लोग अच्छा काम करो दीगर बात है, लेकिन जो पुराने लोग गड़बड़ कर गए हैं हम सब निकलवाएंगे। हम कि तुम लोगों ने सीवेज लाइन के नाम में बहुत पैसा लिया सरकार से, कितना खर्च किया तुम बता नहीं रहे हो। स्वर्ण रेखा को रिवाइव करने कितना पैसा लिया तुमने, वो भी लाओ कागज। सीवेज लाइन के कितना पैसा लिया तुम्हें 2014 से 24 तक, लिखो कागज में। स्वर्ण रेखा रिवाइव करने के लिए कितना पैसा आया, सीवेज लाइन मरम्मत और लेइंग के लिए कितना पैसा आया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कितना पैसा आया, गार्बेज इरेडिकेशन के लिए कितना पैसा आया, गार्बेज कलेक्शन के लिए कितना पैसा आया, और आज का स्टेटस बताओ। ये साफ साफ लिख के लाओ सब, 2014 से 2024 तक का पूरा रोकड़ा चाहिए हमको। 596 करोड़ मांग रहे हो ना ट्रंक लाइन लगाने के लिए, जब देखे सही कितना करोड़ रुपया आया और क्या किया तुमने उन पैसों का। और स्पेसिफिक चाहिए, इतना पैसा आया इस क्षेत्र में, हमने यहाँ यहाँ पे सीवेज लाइन लगाई, यहाँ यहाँ रिपेयर किया हमने। फिर हम पूछते हैं आपसे कहाँ और रिपेयर करना है आपको। सोमवार को आइए आप लोग। कोई अभी सीवेज वाली आप इनके साथ फिर जाइए आप जी मैम, दोनों आप कोऑर्डिनेट करिए और जा करके सैंपल कॉमन सैंपल लीजिए, ये दूसरे सैंपल में साइन करिए, सील लगाइए और आप अपने लेबोरेटरी में चेक कराइए, आप लेबोरेटरी चेक कराइए। मंडे को लेके आइए। नेक्स्ट सर। नमस्कार सर। सर एक सीवर की समस्या को लेकर सर मुझे भी कुछ बताना था। हाँ हम सुनेंगे आपको। मैं सर 2004 से सीवर के लिए परेशान हो रहा हूँ और यहाँ नगर निगम के जितने भी अधिकारी आए अगर सबको मालूम है, कमिश्नर साहब से 20 बार मिल चुका, आज तक सर कोई उसका निराकरण नहीं हुआ। प्लॉट में दो मिस्टर खोज इसका भी जवाब दीजिए। हमने लास्ट टाइम में पब्लिक को इन्वाइट किया था, पब्लिक से कोई भी आ सकता है सीवेज लाइन के बारे में बात करने के लिए, स्वर्ण रेखा के बारे में बात करने के लिए, कचरा के बारे में बात करने के लिए। ये कंप्लेंट आई है इनकी, सिटीजन ऑफ ग्वालियर। मेरे प्लॉट से सर बिल्कुल वो ओपन जा रही है सर, और एक एक अधिकारी को मालूम है, कमिश्नर स्वयं निरीक्षण कर आए हैं और स्पष्ट कहना उनका कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर। देंगे जवाब देंगे, ये बंडे को जवाब देंगे। सीवर लाइन के मेन चैम्बर पर सर एक तो शौचालय बना दिया उन्होंने सरकारी, हमारी पर्सनल संपत्ति है सर, 1943 का लेआउट है सर, उसको मांगते नहीं है ये लोग। आपने लिखा है शब्द? हाँ सर लिखा हुआ है। ये जवाब देंगे मंडे को। हेलो मिस्टर गुप्ता, यू ऑल्सो नीड टू डू सम बेटर होमवर्क बिकॉज यू आर अमाइकस नाउ एंड लेट अस नो हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सी ब्रेकिंग होल्स इज वन थिंग बट लेट अस नाउ डिसाइड द वे आउट एंड वे फॉरवर्ड। लेट अस सी, you call the some prominent citizens of the city, have a meeting with them and just suggest some ways how to move forward. Sir, I suggest one name, Mr. Prabhat Bhargav.